गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कम टू द एक्सरसाइज 33, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 58। 58 के हमें फोर मल्टीपल्स निकालने, स्टार्टिंग के फोर, फर्स्ट फोर मतलब स्टार्टिंग के फोर। यानी कि हमें क्या करना होगा, मल्टीपल्स यानी कि मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो मल्टीपल्स होता है। तो हमें 58 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। देन 58 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। देन 58 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। देन 58 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। फर्स्ट 4 यानी कि 1 2 3 4, स्टार्टिंग के 4 काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 4 होती है। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स आ जाएंगे। 58 वन ज़ा 58, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11, 3 8 ज़ा 24, कैरी किया 2, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 17, 4 8 ज़ा 32, कैरी किया 3, 4 5 ज़ा 20 एंड 23। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स फिफ्टी एट, 116, 174 एंड 232। ये इसके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 11th एंड 14th मल्टीपल्स ऑफ 196। देखो वहाँ तो दिया हुआ था स्टार्टिंग के 4 निकालने, और यहाँ सीधे हमें दिया हुआ है कि आपको 11th एंड 14th निकालना है। तो अगर हमें ऐसा दिया हुआ है, सीधे टर्म दिया हुआ है कि 11th वाला निकालो या 14th वाला, तो जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई हम सीधे किससे कर देंगे, 11th से। और 14th के लिए 196 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 14 से। 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 ज़ा 66, कैरी किया 6, 11 9 ज़ा 99, 99 एंड 6 कितना हो जाएगा, 105, 105 का 5 कैरी किया 10, 11 एंड 10 21। तो 11th मल्टीपल हो जाएगा इसका 2156। आप चाहो तो अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे सिंगल सिंगल डिजिट का। नेक्स्ट 14, अब 196 का 14 मल्टीपल्स निकालना है। तो 14 6 ज़ा 84, 84 का 4 कैरी किया 8, 14 9 ज़ा 126, 126 एंड 8 134, कैरी किया 4 इन कैरी किया 13, 14 1 ज़ा 14, 14 एंड 13 27। तो 11th मल्टीपल आ जाएगा 2156 और 14th मल्टीपल आ जाएगा 2744। इस तरह से हम कोई भी किसी भी नंबर का कोई सा भी मल्टीपल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं।